नीलम होस्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज दिखाना चाहती हूँ जो मीठा नीम है मेरे पास, तो ये बहुत सुंदर प्लांट हो गया है दोस्तों। जैसे देखिए कि यहाँ कितना सुंदर इसमें प्लांट है और बहुत इसमें ग्रोथ भी है। तो इसको मैं कैसे इसको बनाती हूँ इसके बारे में एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर कड़ी पत्ता मीठा नीम घर में लगाए हैं तो कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे घना कर सकते हैं। तो दोस्तों कड़ी पत्ता एक हर्बल प्लांट है और इसको कुकिंग से लेकर मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए कि मेरा कड़ी पत्ता नीचे से एक लेयर खींचे आया हुआ है, फिर बीच में हो गया, फिर इधर देखिए कि चार लेयर इधर है। तो मैं इसको छोटा सा एक गमला में लगाई हूँ जो 12 इंच का है। देखिए दोस्तों 12 इंच का पॉट है और इसमें देखिए कि इसका ग्रोथ कितना है। तो अगर कड़ी पत्ता आपको जंगल की तरह गमला में बनाना है, छत पर आप लगाए हैं तो कैसे ज़्यादा लगाएं, जैसे घना बनाएं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए कि एक समर का प्लांट है और समर में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी करती है और आपको बहुत विंटर में थोड़ा सा रोक देती है। तो दोस्तों विंटर में इसको खाद कुछ नहीं देनी है, लेकिन समर में इसको बहुत अच्छी तरह से खाद दिया जाता है ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें पत्ती आ जाए। तो हम लोग का कड़ी पत्ता में क्या है दोस्तों कि आप कड़ी पत्ता तो ही यूज करते हैं इसलिए ज़्यादा हम लोग का पत्ता के काम होता है। तो मैं तो ज़्यादा इसका लेयर पत्ते के चलते बनाती हूँ कि पत्ता मुझे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, कुकिंग में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। खाना अगर कोई चीज़ का बनाइए, छौंका लगाइए, इडली ढोसला बनाइए तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेस्टी बनता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम पत्ती इसमें कैसे पाएँ, ये बहुत ज़्यादा दवा भी बनता है इससे, अगर बाल झड़ता है तो में भी काम करता है, आपको चेहरा में झुरिया पड़ जा रहा है तो भी काम करता है, अगर आप इसको उबाल कर पीते हैं तो इसमें मोटापा में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इतना घनत्व एक छोटा सा गमला में मैं कैसे करती हूँ तो चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि इस पौधा में मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा है कि मिट्टी पहले कैसा ले रहे हैं। तो मिट्टी आपको इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसको मात्रा कितना लेना है और इसको क्या करना है, कैसे आप बना सकते हैं। तो जैसे आप एक पार्ट आप इसमें गार्डन सॉइल लीजिए, एक पार्ट आप इसमें बालू लीजिए जो रेत बोलते हैं, और एक पार्ट इसमें कोई खाद लीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट लीजिए या गोबर की खाद लीजिए या पत्ती का लीजिए। लगाते समय तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि देखिए जैसे इतना बड़ा प्लांट हो गया तो इसको सबसे पहले गुड़ाई कीजिए। इसको गुड़ाई करने के बाद गुड़ाई कर लीजिए, अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। समर का प्लांट है तो समर के प्लांट में आपको इसको ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं खोजती है। तो एक प्लास्टिक का डब्बा में मैं लगाई हूँ, जैसे देखिए प्लास्टिक का गमला है जो बहुत छोटा सा है और उसमें मेरा प्लांट देखिए कि कितना है। तो गुड़ाई करने से क्या होता है कि देखिए एक्स्ट्रा जो जड़ हुआ, ये जड़ इसको कट गया, एक्स्ट्रा जड़ कटने से क्या होता है कि आप छोटा भी पैकेट में लगाइए लेकिन आपको ये क्या करता है कि बड़ा प्लांट बन जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा जड़ तो ही कट गया, तो फिर नई ग्रोथ बनाएगी। नई ग्रोथ बनाने के साथ साथ आपको इसमें क्या करेगा कि आपको नया जड़ आएगा, हवा एयर जाएगा और जितना जड़ था वो कट गया तो न्यू बनाएगा तो इसका ग्रोथ ऊपर भागेगा। तो ये तो हो गया कारण इसका एक दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या करनी है कि इसको आप मिट्टी को निकाल दीजिए, आप इस तरह से मिट्टी को आप इसको गुड़ाई करके निकाल दीजिए। और निकालने के बाद क्या करनी है आपको कि इसको पूरा तरह से अच्छा तरह से 2 इंच गुड़ाई कीजिए। और देखिए कि जैसे मिट्टी मैं निकाल रही हूँ इस तरह से आपको मिट्टी को निकाल कर बाहर करनी है और जहाँ तक हो सके आपको हल्की फुल्की गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। आप 2 इंच गुड़ाई गहरी कर दीजिएगा और इसमें फिर खाद मिला दीजिएगा तो ये आराम से आपका पौधा 6 महीना तक कुछ नहीं मांगता है। 6 महीना तक आपको आराम से इसकी ग्रोथ बढ़ते ही रहती है। जैसे देखिए तो जड़ है, एक्स्ट्रा जड़ है इसमें, तो ये कट गया तो हाँ फिर रूट बनाएगी। तो इस मिट्टी को निकालने से क्या होता है कि न्यू मिट्टी फिर डाल दीजिए, इसमें न्यूट्रिशन डाल दीजिए। तो ये तो अपना भोजन बना लिया, तो भोजन बनाने ही इनका तो काम है कि जितना आप न्यूट्रिशन दीजिएगा उतना ही आपका ये ज़्यादा पत्ती ये ग्रोथ ये देगी।
तो देखिए दोस्तों कितना जड़ हो गया इसमें। तो बड़ा अगर छोटा सा गमला में बड़ा प्लांट बनाना है तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इसको अच्छी तरह से गुड़ाई हो गई। अब इसमें न्यूट्रिशन क्या देना है उसके बारे में बता रही हूँ दोस्तों। तो जैसे इसको न्यूट्रिशन क्या चाहिए, मेरा प्लांट इसी तरह से चलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है। तो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका छत पर ही सब कुछ हो सकता है। तो जैसे न्यूट्रिशन का लेना है दोस्तों, जैसे देखिए कि यहाँ मैं मस्टर्ड केक ली हूँ, जो सरसों के खली बोलते हैं, ये क्रश किया हुआ है। और यहाँ थोड़ा सा एसिडिक बनाने के लिए सूखी हुई चाय की पत्ती ली हूँ, जो आपको यूज किया हुआ है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन कम मात्रा में डाल सकते हैं। आए नॉर्मल गार्डन सॉइल है और इसमें थोड़ा सा नीम खली मिलाया हुआ है। तो दोस्तों ये सबको हमको मिक्स कर देना है। इस तरह से आप इसको एक में मिला दीजिए, इस तरह से आप एक में मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप चाहें तो आप उस मिट्टी में भी मिला सकते हैं। मैं तो नया मिट्टी ली हूँ जो इसमें बनाया हुआ है मेरे, और इसको इस तरह से इसमें आप डाल दीजिए और चारों तरफ से इसको ढक दीजिए। इस तरह से आप इसको मिलाकर इस तरह से आप ढक दीजिए। तो इस तरह से आप मिट्टी को ढक दीजिए और 2 इंच ऊपर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसमें आप पानी डालकर आप बिल्कुल धूप में रखिए, क्योंकि इसको 6 से 7 घंटा तक धूप चाहिए। और धूप में रखिए, ये अपना ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। उसके बाद क्या करनी है कि अगर आपको इसमें लेयर बढ़ानी है तो देखिए यहाँ जैसे मैं यहाँ पिंचिंग की हूँ। अब पिंचिंग करने के बाद देखिए 2-3 लेयर यहाँ आया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ 1-2-3 इसमें आया हुआ है। यहाँ भी देखिए दोस्तों कि यहाँ देखिए 3 ब्रांच आया हुआ है। तो इसको लेयर अगर बढ़ाना है तो पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप इसको फरवरी में आप इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी ग्रोथ बढ़ी हुई है। इसको अभी भी पिंचिंग करना ज़रूरी नहीं होता। आप फरवरी से मार्च तक इसको इस तरह से पिंच कर सकते हैं। यहाँ मुंह को तोड़ दीजिए तो इसमें ब्रांच ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों इसको खाद डालने के बाद इसमें पानी डालना है। तो इसको भरपूर मात्रा में इसको पानी डाल दीजिए। तो इसको भरपूर मात्रा में आप पानी डालिए, पानी डाल के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करनी है, बस हल्के फुल्के पानी दीजिए और इसको कुछ भी नहीं करना है। 15 दिन पर कोई खाद, चाहे 1 महीना पर आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से कीजिए दोस्तों। मैं तो इसी तरह से अपना कढ़ी पत्ता ग्रोथ बढ़ाती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर इसमें लीव्स भी पाती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।